ऐसे सही अपने घर के भीतर नहीं करना। सरफराज, इंडिया से पहला मैच है और ये वाहिद टूर्नामेंट है आईसीसी का जिसमें इंडिया का हमारा रिकॉर्ड बेहतर है जहां पर इंडिया सीरीज, तो कितने कॉन्फिडेंट है कि एक अच्छे आगाज के साथ इंडिया के खिलाफ मैच में एक पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए बिल्कुल बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद, सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे दो प्रैक्टिस मैच में इसमें हम अच्छा परफॉर्म करें एज अ टीम यूनिट, और हमारी कोशिश यही होगी कि इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें। ऑब्वियसली सारी कौम की यही ख्वाहिश है कि हम इंडिया के खिलाफ मैच जीते, तो हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम ग्राउंड में अपने 100% दें और कोशिश करेंगे कि टीम लड़ती हुई दिखाई दे, तमाम लड़के हर शोबे में अपनी जान मारे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला के हाथ में जब सब एक फोकस होकर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। सरफराज, 27 को ईद होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में और 18 को फाइनल है, तो ईद से पहले ईद का तोहफा देने के लिए कितने कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान? देखें जी बिल्कुल, देखें रमजान का महीना भी होगा और हमारे यहाँ भी रोजे चल रहे होंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह पूरी जान लड़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी आवाम को अपने मुल्क को इससे पहले एक अच्छा तोहफा दें। सरफराज, इस टीम में 9 खिलाड़ी ऐसे हैं नए जो फर्स्ट टाइम जो है वो खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी और फिर आप एक पहली दफा इतना बड़ा इवेंट एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, तो प्रेशर कितना है और फिर ये वार्म अप मैच से कितना बूस्टअप मिलेगा टीम को? देखिए बिल्कुल बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे 6 दिन का कैंप था, बड़ा अच्छा हमने यहाँ पे कैंप को यूज किया, फील्डिंग में बॉलिंग में बैट्समैन सबने बड़ी अच्छी अपनी प्रैक्टिस की यहाँ पे, और वार्म अप मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, कंडीशन से भी आपको आइडिया हो जाएगा क्योंकि हमारे दो मैचेस जो मेन मैचेस राउंड के मैचेस है वो यहाँ पे, तो एक अच्छा फेयर आइडिया हो जाएगा पिचेस का भी और ग्राउंड का भी, और जहां तक आपने बात की प्रेशर का ऑब्वियसली, लेकिन अगर एज ए टीम चैंपियन ट्रॉफी के आप देखें एक मिनी वर्ल्ड कप है तो सबकी यही ख्वाहिश है, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम लोग इस टूर्नामेंट को जीते और अच्छा परफॉर्म करें इस इवेंट में, ऑब्वियसली यही ख्वाहिश है हम सबकी कि अल्लाह करे हम इस टूर्नामेंट को विन करें। थैंक यू।